पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में ढाका मोतिहारी स्टेट हाईवे में परतापुर पेट्रोल पंप के पास बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल यह जो पोल है उस पर जो कॉपर तार है वह बहुत कमजोर है। इतना ही नहीं, विभागीय लापरवाही की हद तो तब हो गई जब एक गरीब परिवार का मोटर पंप जल गया। मोहम्मद शमीम खान एवं राजू यादव ने बताया कि मेरे बिजली मीटर, मरकरी मोटर, फ्रिज भी जल गया है। अधिकारी को इसकी सूचना दी गई लेकिन कोई भी परवाह नहीं पड़ी। जब कॉपर तार कमजोर की वजह से दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। पूर्व में यहां दो बार घटना घट चुकी है, शायद बिजली विभाग को एक और हादसे का इंतजार। अभी मैं मौजूद हूँ मोतिहारी रोड ढाका पेट्रोल पंप के पास। यही बिजली विभाग है, बिजली विभाग का तार देखिएगा, तार ये कितने बार खराब हुआ, कितने बार खराब हुआ। लेकिन SDO साहब के मैं खुद फोन किया, फोन करने के बाद भी अभी तक ले ना केबल बदले, कैमरामैन दिखाइएगा ना केबल बदले ना ही तार बदल रहे हैं। बार 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 बिजली की समस्या बनी रहती है। आइए मैं यहाँ जानता हूँ जिन लोगों के भी समस्या हुआ है उस समस्या के बारे में। इस होटल वाले के भी बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है बिजली को लेकर, ये बार बार भी परेशान रहते हैं। आइए मैं जानता हूँ इनका क्या क्या नुकसान हुआ है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राजू यादव। क्या नुकसान हुआ आपका बिजली से? मेरा फ्रिज जल गया है, पूरा लाइट जल गया है, पूरा वायर जल गया है। हाँ, उसके बाद में मेरा मीटर भी जल गया है पूरा, बहुत बड़ा मीटर। का मीटर कहाँ आपका? मीटर आपका क्या नाम दिखाइएगा? हाँ, मीटर को दीजिए, ऊपर में है। और क्या क्या क्षति हुआ है? मैं क्या क्षति हुआ है? पूरा लाइट जल गया है, बार बार आता है वो पैसा मांगता है। बस मिस्त्री जो भी बनाने आता है उसको पैसा दीजिएगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सरकारी मिस्त्री पैसा मांगता है? हाँ, सब मांगता है, जो भी आता है सब मांगता है। SDO साहब के बताए थे ना? हम नहीं बोले थे। चलिए, क्या क्या क्षति बताएगा बताइएगा। और पूरा लाइट जल गया हमारा। अच्छा अच्छा, इधर आइए। पूरा लाइट जल गया, मोटर जल गया है, मोटर भी जला है। देखिए इनका मोटर भी जा रहा है, बिजली विभाग के बहुत बड़ा लापरवाही है। SDO और चिरैया जेई का लापरवाही है, जो बार बार इनका कहना है कि बार बार बिजली विभाग के जो भी मिस्त्री आता है वो भी पैसा के डिमांड करता है। तो ये बिजली बिल देंगे कि लाइन के मिस्त्री को पैसा देंगे कि अपने होटल के स्टाफ को पैसा देंगे? ये परेशान है, भ्रष्टाचार पूर्णतः भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को हम उच्चतम अधिकारी से अपील करते हैं कि इनका जाँचों उपरांत SDO साहब और जेई साहब पर कार्रवाई किया जाए। अब इनसे भी जानते हैं जो बिजली विभाग के SDO और जेई के द्वारा लापरवाही के कारण इनका भी नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुआ। क्या नुकसान हुआ है आपका? हम यहाँ सर्विसिंग करते हैं और सर्विसिंग करते हैं तो बार बार जो है कि तार टूट जाता है और बार बार मिस्त्री आता है जोड़ने तो पैसा मांगता है। यहाँ जो SDO जो है, SDO साहब को भी जानकारी में है और जेई साहब को भी जानकारी में है, यहाँ एक बक्सा का ज़रूरत है, जो यहाँ बक्सा होना चाहिए। जो बक्सा नहीं है, जो तार को छील करके जो है कि डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। बार बार खराब होता है, बार बार जो मिस्त्री आता है। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, ढाका। मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बड़ोनिया रामपुर रोड के समीप गड्ढे में मोटरसाइकिल से दबे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। वहीं मौके पर संग्रामपुर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर संग्रामपुर थाना ले गई। शव की पहचान अभी नहीं हो सकी है। वहीं बाइक में पेपर पाए गए हैं जिसे की मृतक हरपुर थाना क्षेत्र का ही निवासी है। कैसे देखे? वही हल्ला किया। जानकारी हुई मुखिया जी हमको, खबर किए कि बहस ऐसे घटना हुआ है और जनता लोग भी बोले तो हम यहाँ आके देखे तो गाड़ी गिरा हुआ था, उसी तरह वो दबाए हुए थे। फिर बात किए तो बड़ा बाबू आए, किसी को देखते हुए ऊपर किया गया। नहीं, अभी तक तो कोई पहचान नहीं है। R9 भारत के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट, मुंगेर से।